हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिया माय माय शेयर। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए तीन राखी बनाने के मेथड, जो मैं दो बना के आपको दिखाऊंगी और एक मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी उसका। और उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक पेप, सीजर, ग्लू। आप ये सर्कल जो पेपर है, आप किसी भी बोतल की टिप्पी पे, टिप्पी से, कैप से लगा सकते हैं। वो एटलीस्ट इसके जितना तो बड़ा होना चाहिए। और हमें चाहिए इलायची। ओके, तो चलिए बनाना शुरू कर। पहले हम ग्लू लेंगे। ग्लू के इसके चारों कॉर्नर्स पे लगा देंगे। तो चलिए लगाते हैं। तो हमने ग्लू लगा दिया है। अब इलायची की पेल्स हम एक एक करके, सॉरी, एक एक करके हम उस पे लगाएंगे। इस तरह लगाएंगे। तो चलिए लगाते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात बतानी थी, आप जब इलायची ऐसे निकाल रहे होंगे ना, तो उसे थोड़ा संभाल के निकालिएगा, क्योंकि यदि आप निकालते वक्त थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाएगा ना, तो उसका शेप बिगड़ जाएगा। समझ पा रहे? और ये सब हमें चाहिए नहीं है। ये आप और एक पीस का राखी मेथड है, पर इसे चाहिए नहीं है। तो सब ये पेल से उसका ले जाइएगा, मतलब तीन होने चाहिए। तो देख सकते हैं हमने बना दिया है उसे। थोड़ा हम इसके ये मिड पार्ट को थोड़ा से, अरे जा। तब हम अभी सेकंड लेयर के लिए ग्लू लगाएंगे। तो चिकली लगाते हैं। बहुत ध्यान से लगाना पड़ेगा, ये कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। रे पापा, फिर बीच को पूरा लगा दीजिएगा। ओके, गड़बड़ भी हो सकती है ना, तो पता नहीं कब क्या क्या हो जाए। आपको दिखाती हूँ, मैं ग्लू लगा चुकी हूँ। थोड़ा हैंड से स्प्रेड कर देते हैं। हैंड फटाफट पोंछ दीजिएगा, क्योंकि ग्लू आपके हाथ पे इलायची चिपक गई ग्लू के कारण। तो चलिए अब हम एक एक करके ये लगाते हैं। तो देखिए हमने इसे चिपका दिया है। अभी हमें चाहिए स्टोन। तो अभी हम इसे चिपकाते हैं उसको मिडल पर। ग्लू लगाते हैं मिडल पर जो लग गया था, लेकिन हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा के लिए इसे भी लगा देते हैं। ओके, फिर हम ये लाइक के यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो अच्छा लग रहा है ना राखी? लग रहा है ना, बहुत अच्छा राखी। देखिए कितना अच्छा राखी बन गया। अब हम इसे रिबन में पेस्ट कर देते हैं। उससे पहले हमें चाहिए ये वाला गोल्डन पर्ल्स। हम इसे इस पर्ल के ये स्टोन के चारों तरफ रखेंगे। चलिए लगाते हैं ग्लू। तो हमने इसे लगा दिया। अब रिबन लेते हैं। रिबन लेंगे। रिबन से पहले ये पेपर लेंगे, उसके बाद रिबन। रिबन को पेपर पे पेस्ट कर देंगे। ओके, हम यदि पेस्ट करके फिर वो राखी को यहाँ पर चिपकाएगा, तो आपके लिए ज़्यादा इजी। और इसके कोने कोने को काट दीजिए। देख सकते हैं मैंने ऐसे कट कर दिया है। अब हम राखी लेंगे और उस पर पेस्ट करेंगे। तो देखो ये हमने पेस्ट कर दिया है इसे। अच्छा लग रहा है ना, फैबुलस। आप अभी इसे किसी भी राखी पे बांध सकते हैं। तो चलिए अभी नेक्स्ट राखी की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए भी हम लेंगे एक पेपर। तो हमें मिल गया एक छोटा सा पेपर। तो ये हम लिए हैं पीचेस। ये पीच है पम्पकिन के। मैंने ये कलर्स लगाने के बाद इस पीचेस में मैंने इसे सूखा भी गया था। आप थोड़ा सूखा भी दीजिएगा। तो देखिए हमने इसे पेंट करके हमने चिपका भी दिया।
तो इसके बाद क्या करना है, चलिए देखते हैं। इसके बाद हमें लेना है इस टाइप का एक स्टोन। ओके, वो स्टोन को हम बीच में सेंटर में क्या करेंगे, पेस्ट। ये हो गया। अब हम लेंगे एक रिबन व्हाइट कलर का, हम वैसे ही एक पेपर काट के लेंगे। तो हम ग्लू लेंगे पहले। ग्लू में इसके रिबन, इस रिबन के हिसाब से हम ग्लू लगा लेंगे। देन वी विल पुट द रिबन। ओह नो, ये सूखा नहीं है, इसे सुखा देते पहले। तो हमने ये चिपका दिया। अभी रिबन के ऊपर भी थोड़ा चिपका देते हैं, ग्लू मतलब लगा देते हैं। अब हम वो लाएंगे राखी, थोड़ा सूखते देते हैं, फिर इसे लाके थोड़ा सूख जाने देते हैं, फिर लाके उसे चिपका देंगे। अभी के लिए वो थोड़ा सूख रहा है, पहले सूख देने देते हैं, फिर उसे लाके चिपका देंगे। तो हमने इसे चिपका दिया, फिर इसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट राखी की तरफ। तो इस तरह का राखी बनाने के लिए मैं बहुत इजी टेक्निक बोल रही हूँ। पहले हम एक पेपर लेंगे, मतलब एक बड़े कैप के हिसाब से, और हमें हम ये बड़े पर्ल लगाएंगे, फिर छोटे पर्ल्स लगाएंगे, फिर ये गोल्डन पर्ल्स लगाएंगे छोटे छोटे, फिर बीच में ये पिंक कलर का स्टोन लगा देंगे और रिबन से चिपका देंगे। उसके पीछे हम एक पेपर लगा देंगे। हो गया राखी तैयार। तो कितना इजी था, मेरे 3 राखी आपको दिखने हैं तो दिखाते हैं। तो अभी ये सूख रहे हैं, आप देख सकते हैं। आपको इन 3ों में से कौन सा सबसे अच्छा लगा जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।